नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम आपके लिए बिहार स्पेशल का सीरीज लेके आए, जिसके क्रम में हम लोग बिहार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लिए, बिहार के भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में देख लिए। आगे हम लोग को बिहार के ज्योग्राफी शुरू करना था, जिसमें हम लोग को बिहार के भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार के बारे में जानना था। लेकिन दो तरीके से हम बताए थे पढ़ाई की जाती है। एक तो फैक्ट को रट लिया जाता है कि भैया धारवाड़ चट्टान बिहार में कहाँ है, आर्कियन चट्टान कहाँ है। दूसरा मेथड होता है कि उसको समझ के पढ़ना कि आर्कियन चट्टान पहले है क्या, इसकी विशेषता क्या है और बिहार के किन क्षेत्रों में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान क्या है, इसकी विशेषता क्या है और बिहार के किन क्षेत्रों में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। तो अगर आप किसी चीज को समझ के पढ़ते हैं तो आप एग्जामिनर को ये मौका नहीं देते हैं कि क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आपको फंसा दे, क्योंकि किसी चीज को आप गहराई से पढ़े रहिएगा तो प्रश्न को कितना भी घुमाया जाएगा आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन किसी फैक्ट को आप रट के जाते हैं, अगर आप कॉस्मेटिक स्टडी करते हैं, ऊपर से ही ऊपर पढ़ के जाते हैं, तो बहुत संभावना है कि आपको फंसा दिया। तो इसमें हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में दो के बारे में देख चुके थे, आर्कियन चट्टान के बारे में देख चुके थे और दूसरा धारवाड़ चट्टान के बारे में देख चुके थे, जो कि आप लोग को पसंद भी आया होगा। आज हम लोग अगले दो चट्टानों के बारे में देखेंगे, जो कि है कुडप्पा चट्टान और विंध्य चट्टान, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, इसी में सब कुछ हम क्या करेंगे आपको याद करवा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि कुडप्पा चट्टान क्या है और विंध्य चट्टान क्या है। पहले हमारा क्या है कुडप्पा चट्टान। देखिए कुडप्पा चट्टान जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं, जियोसिंक्लाइन भूसन्नति। देखिए जियोसिंक्लाइन है क्या या भूसन्नति किसको कहते हैं, तो भूसन्नति क्या था, जब पृथ्वी का विकास हो रहा था तो इसमें पृथ्वी के विकास के दौरान क्या हुआ, एक कम गहरा, ज्यादा गहराई नहीं था, कम गहरा क्षेत्र को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, छिछला क्षेत्र कहते हैं, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सैलो कहते हैं, और ज्यादा चौड़ा भी नहीं था, कम चौड़ा यानी कि संकीर्ण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नैरो कहते हैं। तो पृथ्वी के विकास के क्रम में क्या था कि भारत में कुछ भूसन्नतियां मौजूद थी, और भूसन्नति किसको कहते हैं कि कम गहरा और कम चौड़ा जो जल निकाय होता है, वाटर बॉडी होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोसिंक्लाइन कहते हैं, यानी कि इसमें पानी तो रहता है लेकिन ज्यादा गहराई तक नहीं रहता है और दूसरा इसमें ज्यादा चौड़ाई नहीं होता। तो भारत में भी दो भूसन्नतियां, दो जियोसिंक्लाइन मौजूद था, एक आपको आंध्र प्रदेश में मौजूद था, आंध्र प्रदेश में मौजूद था, इसको कुडप्पा भूसन्नति कहे, इसको कुडप्पा जियोसिंक्लाइन के नाम से जाना गया। दूसरा यहां पे राजस्थान और गुजरात के निकट एक भूसन्नति था जिसको हम लोग कहे विंध्य भूसन्नति, इसको क्या कहा गया, विंध्य भूसन्नति। तो पृथ्वी के विकास के दौरान भारत में दो जियोसिंक्लाइन्स मौजूद था, एक आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जिसको हम कुडप्पा भूसन्नति कहें और दूसरा आपको यहाँ राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में जिसको विंध्य भूसन्नति कहें। और इससे पहले बताए थे पृथ्वी पर दो चट्टान का विकास हो गया था, सबसे पहले जो चट्टान का विकास हुआ वह कौन था, आर्कियन चट्टान, वही आर्कियन चट्टान टूट कर किसका निर्माण किया, धारवाड़ चट्टान। तो हमारे पृथ्वी पर आर्कियन और धारवाड़ चट्टान मौजूद। अब आर्कियन और धारवाड़ चट्टान सब टूट टूट कर इस भूसन्नति में जमा होने लगा, यानी कि आर्कियन और धारवाड़ चट्टान का जो मलवा है, ठीक है, ये इसमें भूसन्नति में जमा होने लगा। यहां भी आर्कियन और धारवाड़ चट्टान का मलवा इसको जमा होते होते भर दिया, जैसे झील है, झील में आसपास से आके कचरा भरते चला जाए तो वर्षों बाद एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि पूरा झील भर जाएगा। उसी तरीके से कुडप्पा और भूसन्नति में आर्कियन और धारवाड़ चट्टान सब टूट टूट कर क्या होने लगा, जमा होने लगा, जिसके कारण यहाँ पर एक नए प्रकार का चट्टान का निर्माण हुआ जिसको हम लोग क्या कहें, कुडप्पा चट्टान कहें। और विंध्य क्षेत्र में जिस चट्टान का निर्माण हुआ इसको हम क्या कहें, विंध्य चट्टान कहें। यानी कि कुडप्पा चट्टान का जो निर्माण है वो किसके भर जाने के कारण हुआ, कुडप्पा भूसन्नति के भर जाने के कारण, और विंध्य चट्टान का निर्माण किसके कारण हुआ, तो विंध्य भूसन्नति के भर जाने के कारण। लेकिन भरा किससे, तो आर्कियन और धारवाड़ चट्टान का जो मलवा था, डेवरीज ऑफ आर्कियन और धारवाड़ रॉक था,
वो जमा होते चला गया, इससे नए प्रकार का चट्टान बना। तो हम लिख भी दिए हैं, अगर हम कुडप्पा चट्टान की बात करें तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिख दिए हैं कि आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टान के मलवा के निक्षेप से निर्मित, निक्षेप मतलब जमा होने से, आर्कियन और धारवाड़ चट्टान टूट के उस गड्ढा में, उस जियो सिंक्लाइन में भरते चला गया और वर्षों बाद वहां से एक नए चट्टान का निर्माण हुआ जिसको हम क्या कहें, कुडप्पा चट्टान के नाम से जाने। और इसका नाम कुडप्पा क्यों पड़ा, तो सबसे पहले इस चट्टान को आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में देखा गया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कुडप्पा चट्टान। जैसे आप याद करें कि धारवाड़ चट्टान को सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिला में देखा गया था, इसलिए इसको धारवाड़ चट्टान कहा गया। इसी प्रकार से कुडप्पा चट्टान को सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में देखा गया। तो लिखे भी हैं कि कुडप्पा चट्टान को सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में पाया गया था, इसलिए इसको क्या कहें, कुडप्पा चट्टान। हम यह भी बतलाएं कि आर्कियन चट्टान में जीवाश्म मौजूद नहीं था, फॉसिल्स मौजूद नहीं था, धारवाड़ चट्टान में भी फॉसिल्स मौजूद नहीं था, इसी प्रकार से कुडप्पा चट्टान में भी कोई जीवाश्म या फॉसिल्स मौजूद नहीं था। इसका हम कारण बताए थे कि जिस समय आर्कियन, धारवाड़ या कुडप्पा चट्टान का निर्माण पृथ्वी पर हो रहा था उस समय जीव जंतु मौजूद नहीं थे, वनस्पति उतना ज्यादा विकसित नहीं था। तो जब तक वनस्पति विकसित नहीं होगा, जब तक जीव जंतु नहीं आएंगे, तब तक वह दबेंगे कैसे और जीवाश्म का कैसे निर्माण होगा। तो अगर यह स्टेटमेंट दे दे कि कुडप्पा चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, तो इस कथन को आप क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सा मिनरल्स पाया जाएगा, तो आपको लाइम स्टोन पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। और बाबू याद रखिएगा, जहां भी चूना पत्थर पाया जाएगा वहां ज्यादा संभावना है कि संगमरमर भी मिले, सैंड स्टोन भी मिले। तो चूना पत्थर के साथ साथ इस प्रकार के चट्टान में संगमरमर भी मिलता है। स्लेट जिस पर आप लोग लिखते थे पहले, वो स्लेट भी एक प्रकार का खनिज ही है जो इस प्रकार के चट्टान में मिलता है। लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, मैंगनीज जो है, ये सब आपको कुडप्पा चट्टान में मिलता है। अगर कुडप्पा चट्टान भारत में कहां कहां पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में तो देखा ही गया था, तो या आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में या आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कुडप्पा चट्टान देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मिल पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सभी क्षेत्रों में कुडप्पा चट्टान पाया जाता है। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग विंध्य चट्टान। बताए थे विंध्य चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, तो विंध्य भूसन्नति के भर जाने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसको हम क्या कहते हैं, विंध्य चट्टान कहते हैं। और ये भी बतलाएं बाबू कि विंध्य भूसन्नति भरा कैसे, तो डेवरीज ऑफ आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक्स, यानी कि आर्कियन और धारवाड़ चट्टान के मलवा से। तो जो विंध्य चट्टान है इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसका विस्तार राजस्थान से लेकर कहां तक पाया जाएगा, बिहार तक। अब आसानी से जब बिहार हम पढ़ाएंगे तो अब तुरंत समझ जाएगा विंध्य चट्टान के बारे में। तो पढ़ने का यही सही तरीका है कि आप पहले किसी चीज का डिटेल पढ़ लीजिए, उसका काम जो है वो आसान हो जाता है। तो विंध्य चट्टान कहां से कहां फैला हुआ है, तो आपको राजस्थान से कहां तक मिल जाएगा, बिहार तक। राजस्थान में भी कहां से अगर जगह पूछ दे तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लेकर बिहार के सासाराम तक आपको विंध्य चट्टान मिल जाएगा, अगर लंबाई में बात करें। चौड़ाई में बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक चौड़ाई में यह क्या है, फैला हुआ है। तो लंबाई में इसका कहां से कहां तक विस्तार है, तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सासाराम बिहार तक। और मोटाई में अगर बात कर ले तो आगरा यूपी से लेकर होशंगाबाद एमपी तक यह क्या है, विस्तारित है। और एमपी से बाबू याद रखेंगे कि हीरा जो है वो कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है। एक गाना भी सुने होंगे, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो पन्ना जगह है जहां पर हीरा पाया जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न फंसा देगा आप लोग, तो ये याद कर लेते हैं कि पन्ना में हीरा पाया जाता है,
लेकिन प्रश्न फंसा देगा कि किस प्रकार के चट्टान में हीरा पाया जाता है, तो पन्ना नामक जगह पर विंध्य चट्टान से हीरा निकाला जाता है। अब देखिए विंध्य चट्टान में भी फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, कुछ जगहों पर मछली का कांटा मिला है। तो मछली के कांटा से कि इस समय अब थोड़ा बहुत जीव का विकास होना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि इस धरती पर सबसे पहले जलीय जीव आए हैं, एक्वेटिक एनिमल्स आए हैं, तो कुछ जगहों पर विंध्य चट्टान से मछली का कांटा मिला। अगर इस अपवाद को छोड़ दे तो हम कह सकते हैं कि विंध्य चट्टान में भी उतना ज्यादा जीवाश्म नहीं मिला। तो लिखे भी है कि कुछ अपवादों को छोड़कर विंध्य चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। कुछ स्थानों पर मछली का कांटा मिला है, ठीक, एक जगह पर मिल गया है तो अपवाद ही मान लीजिए। अब इसमें मिनरल्स की बात करें तो अभी जस्ट चर्चा किए कि पन्ना में पाया जाने वाला हीरा विंध्य चट्टान से ही निकाला जाता है, तो पूछ देगा ये क्वेश्चन। हम लोग याद करके जाते हैं, लोग कहते हैं ना कि एग्जाम का लेवल बढ़ाएंगे, भाई लेवल यही बढ़ता है। आप याद करके गए कि पन्ना से हीरा प्राप्त किया जाता है, अब पूछ देगा पन्ना में किस प्रकार के चट्टान से हीरा प्राप्त किया जाता है, तो यह विंध्य चट्टान से। तो डेप्थ से पढ़ के जाइए, एग्जामिनर को मौका नहीं मिलेगा। और मेरा टीचिंग स्टाइल यही है कि हम किसी चीज को डेप्थ से पढ़ाते हैं, थोड़ा समय लेते हैं लेकिन इतना डेप्थ में पढ़ा देंगे कि फिर एग्जाम में फंसिएगा नहीं आप, ठीक है। तो यह पूछ देगा किस प्रकार के चट्टान में है, विंध्य चट्टान में। और देखिए जो विंध्य चट्टान से जो भी मिनरल्स हम लोग को प्राप्त होता है उसका उपयोग जनरली हम घर बनाने में, भवन बनाने में करते हैं, जैसे बालू का पत्थर, सैंड स्टोन। अब सैंड स्टोन का उपयोग हम लोग घर बनाने में करते हैं, जैसे राजस्थान सब के क्षेत्र में चले जाइए, वहां पे डेजर्ट है, मरुस्थल है, विशेषकर जैसलमेर सब में, तो वहां पर लोग ईंट का उपयोग नहीं करते, ब्रिक्स का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि मिट्टी कहां से लाएंगे ईंट बनाने के लिए। तो वहां पर यही सैंड स्टोन का ही उपयोग करके क्या करते हैं, घर बनाते हैं। अब सैंड स्टोन अलग अलग कलर का आता है, कोई लाल कलर का आता है, कोई गुलाबी कलर का आता है, कोई येलो कलर का आता है। तो जैसलमेर सब में चले जाइएगा, तो जैसे हम लोग अपने बिहार उत्तर प्रदेश सब में ईंट से मकान बनाते हैं, जैसलमेर सब में वो लोग बालू का पत्थर से क्या करते हैं, मकान बनाते हैं। तो कोई पीला बालू का पत्थर से बनाते हैं, तो शहर को अगर ऊपर से देखिएगा ना तो पूरा शहर पीला दिखेगा, लगेगा कि सोना का शहर है, इसलिए जैसलमेर को स्वर्णिम नगरी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान सबके क्षेत्र में जहां पर ईंट उतना ज्यादा नहीं है वहां पर लोग बालू का पत्थर से ही क्या बनाते हैं, घर का निर्माण करते हैं। आप लाल किला चले जाइए, लाल किला देख लीजिए, लाल बालू का पत्थर से क्या है, निर्मित है। यहां तक कि देखिएगा अशोक स्तंभ जो है उसका भी निर्माण किससे किया जाता था, लाल बालू का पत्थर से किया जाता था। और ये लाल बालू का पत्थर कहां से मंगाया जाता था, तो मिर्जापुर के चुनार नामक जगह से मंगाया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि चुनार का जो सैंड स्टोन होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। इसके अलावा संगमरमर आज भी हम लोग घर में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बताए थे जहां भी संगमरमर होगा वहां चूना पत्थर पाया ही जाएगा। रंगीन पत्थर मुगल कला में पढ़िएगा, मुगल स्थापत्य कला में कि क्या किया जाता था, महल को सजाने के लिए रंगीन पत्थरों का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था, पिट्रा ड्यूरा टेक्निक पढ़िएगा, तो रंगीन पत्थरों से सजाया जाता था। तो इसका भी उपयोग भवन में ही हम लोग करते हैं। तो आप पूछ देगा कि आप कहिएगा सर कौन कौन से भवन में विंध्य चट्टान से पाए गए खनिज का उपयोग किया गया है, तो अभी जस्ट बतलाएं लाल किला जो है दिल्ली में, यहाँ पे सैंड स्टोन से बनाया गया, आगरा का किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, फतेहपुर सिकरी, सांची का स्तूप, इन सभी में बालू का पत्थर का, सॉरी इन सभी में आपको उन खनिजों का उपयोग किया गया है जो विंध्य चट्टान से प्राप्त किया जाता है। आपके लिए दो होमवर्क है जो कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, विकास जो है किसके द्वारा करवाया गया, और दूसरा सांची का स्तूप किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा हो गया विंध्य और कुडप्पा चट्टान के बारे में। सेशन अच्छा लगता हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी हम आपको वीडियोस डालें या कभी कभी एमसीक्यू सेशन लें तो आपको नोटिफिकेशन कम से कम मिल जाए कि किस समय में कौन सी क्लास चलती है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि और भी विस्तार से पढ़ें, फुल फ्लेज्ड कोर्स के साथ पढ़ें, तो आप प्ले स्टोर से अरोमा क्लासेस ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारा कोर्स अवेलेबल है, जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आया है तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग के यहाँ कोर्स है,
अगर आप चाहते हैं कि नहीं 71वीं बीपीएससी की तैयारी करें तो 71वीं बीपीएससी के लिए कोर्स है, चाहते हैं कि कम समय में 70वीं बीपीएससी को रिवीजन करें तो इसके लिए भी हमारे यहाँ कोर्स है। इसके साथ साथ बीपीएससी तैयारी के लिए भी टीचर्स वालों के लिए भी हमारे यहाँ क्या है, कोर्स है। तो एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन है, चाहे बिहार एसआई करना चाह रहे हो या बिहार एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, सब कोर्स उपलब्ध है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि वो भी न्यूनतम शुल्क में, ऐसा नहीं कि आपसे 10,000 या 15,000 किसी कोर्स के लिए मांगा जाता है। इस ऐप पे जो मैक्सिमम कोर्स का जो फी होगा वो 2500 होगा, और वो भी डिस्काउंट के साथ है। जैसे 71वीं बीपीएससी टोटल जो कोर्स का फी है वो मात्र 2500 है, जिस पे अभी 500 डिस्काउंट किया जा रहा है तो मात्र 2000 में मिल जाए। और इसका वैलिडिटी हम लोग 2 साल तक के लिए दिए हैं, क्योंकि अभी से आप तैयारी कीजिएगा तो 6 महीना 7 महीना में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप चाहते हैं रिवीजन करना तो 2 साल तक अनलिमिटेड बार आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का अगर देखिएगा, जीके जीएस का, तो मात्र 499 में। इसमें आर्ट्स पोर्शन पढ़ाएंगे, साइंस पोर्शन पढ़ाएंगे, साथ साथ स्टैटिक जीके के भी पोर्शन को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। तब प्ले स्टोर से अरोमा क्लासेस ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।